सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सिंह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिनेश एरसेमी टीवी। बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल दिनेश एरसेमी टीवी में। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कमलदह झील के पास। जैसे कि आप सबको की पता ही होगा कि पलामू किला के पास एक कमलदह झील है, हम उसी जगह पे मौजूद हैं। और आपको बता दें कि इस झील के पास पर्यटक लोग आए हैं, लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी की दबाई, साथ ही साथ लिंक को ज़्यादा से लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर आए हुए पर्यटकों से मिलाते हैं, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और यहाँ पर जो आए हैं पर्यटक क्या सोचते हैं और यह जो दृश्य है, इस दृश्य के बारे में लोग क्या बोलते हैं, ये क्या सोचते हैं, क्या है खास इस दृश्य में, वीडियो को अंत तक बने रहिए। और हाँ, फिर से आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सर, आप कहाँ से आए? हम दुर्गापुर से आए। जी सर, यहाँ जो कमलदह झील है सर, यहाँ के दृश्य कैसा लगा आपको? अच्छा ही लगा, लेकिन यहाँ पर अगर ये गवर्नमेंट जो झारखंड गवर्नमेंट है जी वो अगर अलग से थोड़ा इसको डेवलप करेगा तो और अच्छा लगेगा। जैसे फूल वगैरह वो फ्लावर के यहाँ पर एक तो वॉचमैन रखेगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, तो यहाँ इसे ठीक ही है, लेकिन और थोड़ा ये होगा तो बढ़िया होगा। और झील से और इस झील में कितना अंतर दिख रहा है सर? ग्राउंड फ्लोर से बहुत ऊपर है ना जी सर, इसलिए अच्छा लग रहा है। तो ये नेचुरल है, और जो ऐसा बहुत सा झील है वो बनाया हुआ है। ऐसे तालाब को भी अभी झील बोलता है, वो बात नहीं है, लेकिन ये नेचुरल है इसलिए अच्छा लगा। सर यहाँ पे कौन कौन सा जगह पे घूम पाए सर आप लोग? ऐसे 7 दिन का टूरिस्ट में आया है, टूर में जी सर। जैसे हम हजारीबाग या रांची वगैरह, उसके बाद हम काल नेतर हट जाएगा जी सर। हाँ, ऐसे हम झारखंड सफर के लिए आया है वेस्ट बंगाल से। और सर एक बगल में है सर कोयल नदी और ओरंगा नदी का संगम है सर, वहाँ पे आप जा पाए कि नहीं? ना, वो हम नहीं गया है, लेकिन दोस्त तो कल जाएगा हम। जी सर, हम सर। तो यहाँ पर आज रात भर रहेगा तो कल सुबह निकल जाएगा नेतरहाट के लिए, तो वहाँ पर बीच में पड़ेगा तो हम देख लेगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।